Hello everyone, I am here with the first chapter of class 7th history and the name of the chapter is Tracing Changes Through a Thousand Years with Solution. I am here with the question answers exercise solution with you. So let's start the solution one by one. We will discuss about the question and then answers. So let's start. First question is, who was considered a foreigner in the past? पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि पास्ट में फॉरेनर किसको कहते थे. एनी स्ट्रेंजर हु वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर वॉज कंसिडर्ड अ फॉरेनर इन द पास्ट. एक ऐसा अजनबी जो उस सोसाइटी या कल्चर से बिलोंग नहीं करता था या उसका सदस्य नहीं होता था उसको फॉरेनर समझा जाता था. सिटी ड्वेलर उसमें कौन आता है? सिटी ड्वेलर यानी शहर में रहने वाला. Therefore, might have regarded a forest dweller as a foreigner. और उसके साथ ही साथ फॉरेस्ट में रहने वाले ये फॉरेनर के रूप में इनको परिभाषित किया गया है. Second is true and false. So first question is, we do not find inscription for the period after 700. So this statement is false. The Marathas asserted their political importance during this period. This is true. Forest dwellers were sometimes pushed out of their lands with the spread of agricultural settlement. This is true. Sultan Ghiyasuddin Balban controlled Assam, Manipur and Kashmir. This is false. Now fill in the blanks. So archives are place where manuscripts are kept. B. Ziauddin Birni was a 14th century chronicler. C. Potatoes, corn, chilies, tea and coffee were some of the new crops introduced into the subcontinent during this period. Next question is, list some of the technological changes associated with this period. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कुछ टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस हुए हैं इस पीरियड में उसको हमें उसके बारे में यहाँ पे राइट करना है. सो आवर आंसर इज़ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड आर फर्स्ट द पर्सन व्हील फॉर इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए जिस पर्सन व्हील का इन्वेंशन हुआ था वो. सेकेंड द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग और बुनाई करने के लिए जिस स्पिनिंग व्हील की ज़रूरत थी उसका आविष्कार हुआ वो. फायर आर्म्स इन कॉम्बैक्ट और कॉम्बैक्ट में बम हथियार ये हम कह सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ दैट व्हाट वर सम ऑफ द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड. मतलब इस पीरियड में कौन से मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट हुए हैं उसके बारे में बताना है. सो आवर आंसर इज़ द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड फर्स्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस ऑकर्ड इन द हिंदुज़म रिलीजन विच इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज. हिंदू रिलीजन में जो महत्वपूर्ण चेंजेस हुए थे जिसमें कि नए देवी देवताएं डाइटीज़ का मतलब होता है देवी देवताओं की पूजा करना था. सेकेंड हिंदूज स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंपल बाय रॉयल्टी और फिर हिंदुओं ने टेंपल्स का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया. इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मणाज एंड द प्रीस्ट ग्रोन एंड दे बिकेम डोमिनेंट ग्रुप ऑफ द सोसाइटी. वो ग्रुप के जो ब्राह्मणास थे जो प्रिस्ट थे वो ग्रुप के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में या समाज के सदस्य के रूप में उभरे. फोर्थ देयर वाज आल्सो द इमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति दैट इज़ ऑफ अ लविंग पर्सनल डाइटी. और उसके साथ ही साथ इसी समय में भक्ति का भी जो आदर्श था वो उभर के सामने आया जैसे कि प्रेम और अपनी किसी विशेषतः देवी या देवता की पूजा करना. Fifth, during this period, new religions like Islam appeared in the subcontinent who brought the teaching of Holy Quran. और इसी पीरियड में इस्लाम जो कि नया धर्म था वो इस उपमहाद्वीप में सामने आया जिसमें कि कुरान पवित्र कुरान की शिक्षाओं का वर्णन है. Many rulers were patrons of Islam and the ulema. बहुत से ऐसे शासक थे जिन्होंने इस्लाम को संरक्षण दिया और उसके साथ साथ इस्लाम को बताने वाले उलेमाओं को भी संरक्षित किया. Next question is, question number 6, in what ways has the meaning of the term Hindustan changed over the centuries? मतलब इस question में ये पूछा गया है कि हिंदुस्तान जो शब्द है कैसे शताब्दियों के बदलने से उसका जो mean है यानी जो उसका महत्व है या उसका जो अर्थ है वो बदलता गया.
So answer is the meaning of the term Hindustan changed over the centuries. कैसे सेंचुरीज जैसे बदलती गई तो हिंदुस्तान का मतलब भी बदलता गया. फर्स्ट इन द 18th सेंचुरी मिन्हाज सिराज अ क्रॉनिकलर हु रोट इन पर्सियन यूज्ड हिंदुस्तान इन अ पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स दैट वर अ पार्ट ऑफ द डोमिनेंस ऑफ द दिल्ली सुल्तान. 13th सेंचुरी में मिन्हाज सिराज जो कि एक इतिहासकार था उसने पर्शिया में हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया इन अ पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स. हिंदुस्तान का मतलब उसने राजनीतिक तौर पे ज़मीनों से लिया था दैट वर अ पार्ट ऑफ द डोमिनेंस ऑफ द दिल्ली सुल्तान और जो कि जो हिंदुस्तान उस वक्त दिल्ली सुल्तान के शासकों के हाथ में था. सेकेंड इन 13th सेंचुरी हिंदुस्तान नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया. 13th सेंचुरी में तक में हिंदुस्तान में साउथ इंडिया नहीं था. अब का साउथ इंडिया उस वक्त यानी 13th सेंचुरी में वो हिंदुस्तान में इंक्लूडेड नहीं माना जाता था. इट मीन्स द अरब ऑफ एरियाज ऑफ पंजाब. तो इसका ये मतलब आता है कि पंजाब का एरिया हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना मतलब कि गंगा और यमुना नदियों के बीच का जो लैंड था ये सारी हिंदुस्तान में ये सारे जो भूभाग हैं वो आते हैं. थर्ड In 14th century, poet Amir Khusro used the word Hind for the cultural and the people of Indus River. 14th century में एक कवि थे जिनका नाम था अमीर खुसरो. इन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया जिसका नाम था हिंद. हिंद का मतलब उन्होंने फॉर द कल्चर एंड द पीपल ऑफ द इंडस रिवर यानी कि इंडस रिवर यानी सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों और उनके कल्चर के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया. फोर्थ But in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinent. लेकिन 16th century के starting में Babur ने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया भारत की भौगोलिकता को बताने के लिए fauna यानी कि यहाँ पर जो भी पशु पक्षी थे उसके बारे में and the culture of the inhabitants of the subcontinent. यानी इस उपमहाद्वीप में रहने वाले जो भी निवासी थे उनके कल्चर के बारे में भी बताया. फिफ्थ अर्लियर द टर्म हिंदुस्तान नेवर कैरीड द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग विच वी एसोसिएट विद इट टुडे. उसके बाद आज का जो हिंदुस्तान शब्द है जो कि हमारे पॉलिटिकल और नेशनल फीलिंग से भरा हुआ है जिसको कि आज हम मानते हैं बट नाउ दिस टर्म इज़ यूज फॉर नाउडेज इंडिया और अब इस हिंदुस्तान शब्द को आजकल इस्तेमाल किया जाता है इंडिया के लिए. Our next question is, how were the affairs of jatis regulated? मतलब जातियों का कामकाज किस तरह से चलता था. So our answer is, the affairs of jatis were regulated by an assembly of elders which is known as jati panchayat in some areas. तो जाति का जो काम था उनका जो कार्यप्रणाली था वो एक असेंबली के माध्यम से चलता था जो कि एल्डर्स की असेंबली थी which is known as jati panchayat जिसको कि jati panchayat के नाम से जानते थे कुछ एरियाज में. सेकेंड जातीज फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेम्बर्स. ये जो जातियाँ थी उन वो अपने खुद के रूल और रेगुलेशन बनाती थी ताकि वो अपने मेम्बर्स को कंडक्ट कर सकें. जातीज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस गवर्न बाई ए चीफ स्टेन. और उसके साथ ही साथ चूँकि जिन भी गाँवों पर इनका अधिकार होता था इनके जो मुखिया उस पर शासन करते थे उसमें इनका इन ये अपने इनके रूल्स को फॉलो करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट डज द टर्म पैन रिलीजनल एम्पायर मीन. अब इसमें हम देखते हैं कि पैन रिलीजनल एम्पायर का क्या मतलब है इसमें ये पूछा गया है. सो आवर आंसर इज़ द टर्म पैन रिलीजनल एम्पायर मीन्स द एम्पायर विच वर स्पैनिंग डाइवर्स रिलीजन विच वॉज एक्सपेंडेड टू अ लार्ज एरिया योर रीजन लाइक डायनेस्टीज ऑफ चोलास खिलजीज तुगलक्स एंड मुगल्स. पैन रिलीजन का मतलब ये होता है कि ऐसा साम्राज्य जो बहुत ही ज़्यादा दूर तक फैला हुआ हो जैसे कि चोला डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी और मुगल डायनेस्टी. सो आवर नाइन्थ क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट आर द डिफ़िकल्ट हिस्टोरियंस फेस इन यूजिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स. इसमें ये बताना है कि क्या प्रॉब्लम्स हिस्टोरियंस को फेस करनी पड़ी जब उन्होंने मैन्यूस्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल किया इतिहास की रचना करने में. Our answer is that difficulties faced by historians in using manuscripts. First is that
देर वर नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज. उन दिनों में कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं था. सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स बाय हैंड विच वर डिफ़िकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड. तो जो स्क्राइब्स होते थे या जो लेखक होते थे वो मैन्युस्क्रिप्ट्स को एज इट इज़ उतार देते थे अपने हाथों से लिख करके, जो कि पढ़ने और समझने में काफ़ी परेशानी भरा होता था. सेकेंड इज़ दैट ड्यूरिंग कॉपिंग, कॉपी करते वक्त स्क्राइब ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस इन अ वर्ड योर सेंटेंस. तो जो स्क्राइब होते थे वो छोटे मोटे चेंजेस किसी सेंटेंस में या वर्ड शब्द में कर देते थे, विच ग्रेव ओवर सेंचुरीज और कॉपिंग, जिसकी कि आगे कितने शताब्दियों तक कॉपी होती जाती थी. थर्ड इज़ दैट ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द ऑथर रेयरली फाउंड टुडे, सो दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज मेड बाई लेटर सब्सक्राइब. आज जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स होता था ऑथर का, वो बहुत ही मुश्किल से आज पाया जाता है. सो दैट आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज मेड बाई लेटर सब्सक्राइब्स. ये कॉपियाँ जो हैं वो बाद में जिन लेखकों ने इसकी कॉपी की उनके ऊपर निर्भर करती हैं. फोर्थ इज़ दैट हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन. तो हिस्टोरियंस को अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़ने पड़ते थे, अलग अलग उसके वर्जन पढ़ने पड़ते थे, ये समझने के लिए कि जो ओरिजिनल राइटर होगा उसने क्या लिखा था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू हिस्टोरियंस डिवाइड द पास्ट इंटू पीरियड. हिस्टोरियंस ने किस तरह से पास्ट जो हमारा है उनको पीरियड्स में डिवाइड किया. डू दे फेस एनी प्रॉब्लम इन डूइंग सो, क्या उन्हें ऐसा करने में समस्याओं का सामना करना पड़ा. सो आवर आंसर इज हिस्टोरियंस डिवाइड द पास्ट इंटू पीरियड्स ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स टू कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ द पास्ट. हिस्टोरियंस ने पास्ट को डिवाइड करने के लिए, उनको पीरियड्स में डिवाइड करने के लिए, उन्होंने इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर का बेस लिया टू कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट, और उसके साथ ही साथ उन्होंने जो मेजर एलिमेंट है उनको कैरेक्टराइज किया ऑफ डिफरेंट मोमेंट ऑफ द पास्ट, जो कि अतीत में हमारे जो अलग अलग मोमेंट में हुए हैं. फर्स्ट इज़ दैट द हिस्टोरियंस फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज टाइम इटसेल्फ रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीव्स. हिस्टोरियंस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा क्योंकि टाइम खुद ही चेंज होता है सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर में. इन द परसिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीव्स, क्योंकि समय के साथ साथ जो आइडियाज़ और बिलीव हैं उनमें बदलाव आते हैं. सेकेंड इज़ दैट देयर फॉर डिस्क्राइबिंग द एंटायर पीरियड एज वन हिस्टोरिकल यूनिट इज़ नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम. चूँकि एक ही बार में किसी एक पर्टिकुलर हिस्टोरिकल यूनिट के बारे में बता देना, उसकी पीरियड के बारे में बता देना, ये वाकई में परेशानी से भरा है. थर्ड, मॉडर्निटी ऑल्सो कैरीज अ सेंस ऑफ मैटरनल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट. ये जो आज की आधुनिकता है उसमें मटेरियल का प्रोग्रेस और उसके साथ साथ बुद्धिमत्ता भी शामिल है. फोर्थ, द स्टडी ऑफ टाइम इज़ मेड समवॉट ईजियर बाई डिवाइडिंग द पास्ट इन टू द लार्ज सेगमेंट पीरियड्स विच प्रोसेस शेयर्ड कैरेक्टराइज. चूँकि सबसे पहले समय का अध्ययन किया गया, जिसकी वजह से ईजियर बाई डिवाइडिंग द पास्ट इन टू लार्ज सेगमेंट पीरियड, जिसकी वजह से पास्ट को बड़े बड़े पीरियड्स में डिवाइड करना आसान हुआ. विच प्रोसेस शेयर कैरेक्टराइज कैरेक्टरिस्ट, जिसकी वजह से इसका जो भी विशेषताएं हैं, इसकी जो चारित्रिक विशेषता है उसके बारे में समझने में आसानी मिलती है. थैंक यू एवरीवन.